हेलो दोस्तों, मेरा नाम तरुंदा। आज मैं ड्राइंग के अंदर एक इन्वोल्यूट कर्व, इन्वोल्यूट सर्किल कैसे ड्रॉ किया जाता है वो मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ और बना के दिखाने वाला हूँ जो कैसा है। दोस्तों, होता क्या है, जब कोई सर्किल के अंदर, जैसा माना कि ये हमारा एक पेन है जिसके अंदर एक धागा है, ये धागा को जब मैं ऐसा खोलूंगा, धीरे 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 खोलूंगा, तो ये जिस पाथ का थ्रू धीरे 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 खुलते हुए पहले सर्किल रहेगा, धीरे खुलते खुलते कर्व बनेगा, कर्व के बाद एक सीधा लाइन बन जाएगा। ये जो सीधा लाइन है इसी का नाम है इन्वोल्यूट। ये इन्वोल्यूट कर्व जो है पॉलीगन जैसा है, ये कैसे बनता है, एक सर्किल, ये जो सर्किल है दोस्तों, ये सर्किल जो मैं ओपन करूंगा कैसे दिखेगा, ऐसे एक स्ट्रेट लाइन दिखेगा। ये स्ट्रेट लाइन दिखेगा तो ये जो कर्व लाइन प्लॉट हो रहा है इसको निकालने के लिए यही है इसका सर्कमफेरेंस विदाउट स्लीपिंग, जब ये प्लॉट होगा इसको कहलाता है इन्वोल्यूट। ये इन्वोल्यूट बहुत यूजफुल है, कारण सबसे ज्यादा मशीन पे दिखता है जो इन्वोल्यूट वो है दोस्तों गियर। गियर के अंदर सबसे ज्यादा इन्वोल्यूट दिखता है, जैसे हमने बात करो स्पार्क गियर है, बुल गियर है, बिवेल गियर है, उसका जो टीथ होता है दोनों मैश होता है, पिच सर्किल में जो मैश करता है उसका जो प्रोफाइल होता है वो होता है इन्वोल्यूट जैसा ही है। इन्वोल्यूट है वो सबसे ज्यादा उसी के ही यूज दिखाया जाता है दोस्तों, इसलिए इन्वोल्यूट बहुत इंपॉर्टेंस है। कैसे होता है, मतलब ये एक सर्किल है, एक सर्किल जब इसका सर्कमफेरेंस है, ये सर्कमफेरेंस को खोल दिया जाएगा, जब खोलेगा ये धीरे 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 इस टाइप से प्लॉट होते हुए खुलेगा। ये जो प्लॉट हुआ दोस्तों, इसका नाम है इन्वोल्यूट। ये इन्वोल्यूट कैसे ड्रॉ किया जाता है दोस्तों, मैं स्टेप बाय स्टेप आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। सबसे पहले जो जरूरत पड़ेगा, एक सर्किल का जरूरत पड़ेगा या एक पॉलीगॉन का जरूरत पड़ेगा। ये पॉलीगॉन जब ओपन होगा विदाउट स्लिपिंग में उसको इन्वोल्यूट कहलाता है दोस्तों। सबसे पहले हम इसका एक सर्किल बना लेता हूँ, जो सर्किल का डायमीटर है दोस्तों, जो सर्किल का डायमीटर दोस्तों पीछे ले लेता हूँ थोड़ा सा, जो सर्किल का डायमीटर है दोस्तों 20 mm के हिसाब से उसका सर्कमफेरेंस दोस्तों ये हमारा सर्किल है जो हम एक 20 mm का सर्किल बनाया है जिसका सेंटर लोकेट कर दिया। इसके बाद क्या करना है दोस्तों, इसका सर्किल का सर्कमफेरेंस निकल के इसको जो भी चाहिए 4, 6, 8, 10 दोस्तों इसको इक्वली डिवाइड कर लीजिए। जितना मैक्सिमम पॉइंट होगा दोस्तों उसका ही आपका अच्छा आपका इन्वोल्यूट तैयार होगा। जितना मैक्सिमम पॉइंट होगा दोस्तों उतना ही आपका अच्छा पॉइंट बनेगा दोस्तों। ये हमारा 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, then 8 दोस्तों, मैं 8 इक्वल पार्ट में इसको डिवाइड कर लिया। 8 इक्वल पार्ट करने के बाद इसका सर्कमफेरेंस का फॉर्मूला लगाना है दोस्तों। सर्कमफेरेंस का, एक सर्कल का सर्कमफेरेंस का फॉर्मूला होता है पाई डी, हमने पाई डी लगा दिया। पाई डी लगाते बराबर हमारा ये डिस्टेंस निकल के आ जाएगा दोस्तों, ये जो है पाई डी लगा दिया, ये पाई और डी, तो इस समय हमारा जो पाई डी आता है वो होता है 25.6 mm दोस्तों। ये पोजीशन का जो डायमेंशन है, यहाँ से लेके जो डायमेंशन है उसका डायमेंशन है दोस्तों वो है 25.6 mm। इसके बाद करना क्या है दोस्तों, ये जो जितना भी पॉइंट है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 इसको परपेंडिकुलर लाइन आपको ड्रॉ करना है। ये जो है इसको रखना है परपेंडिकुलर में, ये परपेंडिकुलर लाइन पे आपको ड्रॉ करते हुए जाना है दोस्तों। ये हमने डी रखा, ये हमने परपेंडिकुलर लाइन खींच दिया, सेकेंड में डी रखा, ये सेकेंड में रखा, ये परपेंडिकुलर खींचा, थर्ड में रखा, ये थर्ड पोजीशन में रखा, ये परपेंडिकुलर कर दिया, फिर फोर्थ पोजीशन में रखा, उसको परपेंडिकुलर कर दिया, इसके फिफ्थ पोजीशन में रखा दोस्तों, थोड़ा थोड़ा इंक्रीज करते जाना है। ये फिफ्थ पोजीशन हो गया, इसका परपेंडिकुलर रखा, ये सिक्स पोजीशन हो गया, इसका परपेंडिकुलर रखा, ये सेवन का परपेंडिकुलर रखा, ये दोस्तों हमने सभी लाइन को परपेंडिकुलर, जो हमारा कट पॉइंट था उस कट पॉइंट के परपेंडिकुलर में हमने ड्रॉ करते चले गया। इसके बाद दोस्तों करना क्या है, कंपास लेना है दोस्तों, कंपास है। ये जो डायमेंशन है, ये जितना भी हमने डिवाइड किया, 8 में डिवाइड किया, तो हमारा ये जो सर्कमफेरेंस पर टोटल लेंथ है, ये टोटल लेंथ को भी आपको 8 इक्वल पार्ट में डिवाइड करना। 8 इक्वल पार्ट का हम लोग पहले से करके रखा, कंपास लेना है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ये 8 डिवीजन होने के बाद 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 इसका लास्ट वाला को लास्ट वाला के साथ मिलाना है, उसके बाद बाकी लाइन पॉइंट से मिलाते जाना है, पैरेलल में मिलाते जाना है,
तो ये इक्वल पार्ट में हमारा टोटल जो डायमेंशन था वो इक्वल पार्ट में आपके पास डिवाइड होकर आ जाएगा, ऑटोमेटिक कुछ करने का जरूरत नहीं है दोस्तों। ये हमने कोशिश कर रहा हूँ, पूरा का पूरा लाइन 8 इक्वल पार्ट में डिवाइड हो जाएगा, ये इक्वल पार्ट में हमने करना दिया 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 एंड 8। दोस्तों इसके बाद करना क्या है, 0 से लेके 1 डायमेंशन लेना है, 0 से लेके 1 डायमेंशन लेना है तो 1 को कट करना है, 0 से लेके 2 डायमेंशन लेना है कंपास से और 2 के ऊपर रखना है और 2 को कट करना है, 0 से लेके 3 डायमेंशन लेना है 3 पे रखना है और 3 को कट करना है, 0 से लेके 4 डायमेंशन लेना है 4 पे रखना है 4 को कट करना है, 0 से लेके 5 डायमेंशन लेना है 5 पे रखना है 5 को कट करना है, 0 से लेके 6 डायमेंशन लेना है दोस्तों ये 6 है ये 6 को कट करना है, 0 से लेके 7 डायमेंशन लेना है ये 7 पे रखना है ये 7 को कट करना है, 0 से लेके 8 आ गया दोस्तों। ये हमारा पूरा हो गया, हमने दोस्तों ये हमने नाम दिया P1, P2, P3, P4, P5, P6 दोस्तों ये P2 है, P3 है, P4, P5, 6, P7, P8। दोस्तों इसके बाद आपके पास दोस्तों फ्रेंच कार्प मिलेगा, फ्रेंच कार्प से इसको मिलाते जाना है दोस्तों, ये पहला पॉइंट को मिलाते जाना है, सेकंड मिलाना है, थर्ड मिलाना है, फोर्थ मिलाना है, फिफ्थ मिलाना है, सिक्स्थ मिलाना है, सेवन्थ में मिलाना है और एट मिलाना है दोस्तों। ये हो गया हमारा इनवॉल्यूट, जो एक सर्किल के अंदर जो थ्रेड्स लगा हुआ था, जो धागा लगा हुआ था, जब सर्किल का धागा खोलते जाओगे तो धीरे धीरे इस पोजीशन में कटते हुए टोटल पोर्शन बाहर हो जाएगा दोस्तों, यहाँ से शुरू होगा और ये थ्रेड जो है हमने जो धागा लगा के रखा था सर्किल के ऊपर, वो धीरे धीरे सर्कल बाहर हो जाएगा, बाहर हो जाएगा और ये आपको प्लॉट करके आपके सामने आके देगा। ये जो बन गया है इसका नाम है इनवॉल्यूट कर्व दोस्तों, इनवॉल्यूट कर्व हमारा तैयार हो गया, जिसको P1, P2, P3, P4, P5, P6, P7, P8 में हमने ड्रॉ करके पूरा का पूरा स्टेप बाई स्टेप आपको मैंने दिखाने की कोशिश किया। इसके बाद जो है उसको नॉर्मल और टेंजेंट खींचना है दोस्तों। नॉर्मल टेंजेंट खींचना, कोई भी एक पॉइंट आपको दिया रहेगा जिस पॉइंट पर आपको टेंजेंट बन नॉर्मल खींचने बोलेगा, वो पॉइंट आपको दिया, माना कि इस पॉइंट को आपको नॉर्मल टेंजेंट शो करना है दोस्तों। ये नॉर्मल पॉइंट सेंटर जो पॉइंट दिया रहेगा उसमें से आपको सेंटर को मिलाना है सबसे पहले दोस्तों। ये हमने सेंटर मिला दिया, ये सेंटर मिला दिया, सेंटर मिलाने के बाद इसको परपेंडिकुलर लाइन से ड्रॉ करना है। ये जो सेंटर दोस्तों मिला है, ये पॉइंट का हमको नॉर्मल बाय टेंजेंट खींचना है, ये पॉइंट आपको दे के रखा है, इस पॉइंट से इसको सेंटर लाइन पे मिलाना है। सेंटर लाइन मिलाने के बाद जो सेंटर लाइन आएगा उस पॉइंट के उससे परपेंडिकुलर लाइन खींचना है दोस्तों। उसका परपेंडिकुलर लाइन खींचा तो हमारा पॉइंट ए आ गया, परपेंडिकुलर हो गया। इसके बाद जो लाइन आएगा दोस्तों इसको कहलाता है नॉर्मल दोस्तों। ये जो हमारा हो गया इसका नाम है नॉर्मल, इसका परपेंडिकुलर जो लाइन आएगा वो कहलाता है टेंजेंट। ठीक है दोस्तों, ये हमारा पॉइंट देकर रखा था जहां जिस पॉइंट पे आपको टेंजेंट खींचना है, इस पॉइंट से हमने सेंटर लोकेट किया, सेंटर पहले देख रखा था वो, इस पॉइंट से सेंटर लेकर इसको आपको परपेंडिकुलर बनाना होता है, तो जिस पॉइंट से परपेंडिकुलर बनेगा उसको दिखाना है, उस पॉइंट से लेके उस पॉइंट को टेंजेंट पॉइंट को टच करने से नॉर्मल ड्रॉ हो जाता है। नॉर्मल का परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे तो टेंजेंट हो जाता है दोस्तों। ये जो हमारा इनवॉल्यूट था, जो एक सर्किल था, एक सर्किल से उसका सर्कमफेरेंस का थ्रेड निकल के आपको मैंने बताने की कोशिश किया पूरा स्टेप, जिसका नाम है इनवॉल्यूट सर्किल बाय इनवॉल्यूट कर्व दोस्तों। माई चैनल इज क्लासरूम दादा, अच्छा लगे, प्रोसेस समझ में आए, स्टेप समझ में ना आए तो जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, फेवर करें। थैंक